गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशी मित्तल ब्रेन मेकर कोचिंग क्लासेस दे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ते वाडा स्वागत करदा। जिवें कि तुहानू सब नू पता है कि असी एनटीडी दे लई स्पेशल जिहड़ा हैगा लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहे हां, तुहानू बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हां। जिन्ना भी स्टूडेंट्स ने हजे तक साडे चैनल नू सबसक्राइब नहीं कीता तां बच्चे सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन ऑन कर लो ताकि तुहानू साडे जिहड़े लेक्चर्स है टाइम टू टाइम तुहानू दी नोटिफिकेशन मिलदी रहे। इस तों इलावा किसी भी तरह की कोई क्वेरी की प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, थले कमेंट करो, थोड़ी प्रॉब्लम नु सॉल्व किया जाएगा, मैसेज पढ़े जाएंगे उस प्रॉब्लम नु सॉल्व किया जाएगा। किसी भी तरह की क्वेरी है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, वीडियो चल नहीं रही, जब किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो साढ़े ब्रेन मेकर कोचिंग क्लासेस जेडे एमडी है मिस्टर ऋषभ मित्तल, उन्होंने मोबाइल नंबर 7009742889 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਟੌਪਿਕ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹਾਈਜੀਨ ਕਲੀਨਨੈਸ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਡਿਫੋਰਮਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ। अर्ली चाइल्डहुड डिफॉर्मिटीज है उसका एक पार्ट केड़ा जेड़ा पोस्टर डिफॉर्मिटीज, ठीक है ना, पोस्टर डिफॉर्मिटीज जेड़ा कि साडा पेंडिंग सी जिहनूं अज आपां कवर करन दी कोशिश करांगे। तो देखो पोस्टर डिफॉर्मिटीज की है कि साडे पोस्टर दे नाल रिलेटेड, ठीक है, कि जिवें आपां कह दांगे एग्जाम्पल पैरों का चपटापन, कुब पै गया, गोडे पिड़ी जांदे है, गोडे बाहर नूं जाई जांदे है, ठीक है, वो सारियां प्रॉब्लम जिहड़ियां पोस्टर नाल संबंधित है, स्ट्रक्चर नाल संबंधित है, उहनूं आपां की कहांगे पोस्टर डिफॉर्मिटी। जिदे विच आपां सब तो पहला गल करते हैं नॉक नीज, सब तो पहला आपां की गल करते हैं नॉक नीज की, गल नीज की गल करते हैं जिन्हों की कहते हैं गोड्या का भिड़ना, की बोलते हैं गोड्या का भिड़ना। देखो पेपर दे विच ना तुहाडे ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन आने के चांसिस भी है कि नॉक नीज नूं होर किस नाम नाल जानिया जा सकता है, किस नाम नाल जानिया जा सकता है, तो लिख लो जेन्यू वेलगम, किस नाम नाल जानिया जा सकता है जेन्यू वेलगम। जेन्यू वेलगम का मतलब भी की हुंदा है गोड्या का भिड़ना, की हुंदा है गोड्या का भिड़ना। चलो हुण आपां इहनूं समझदे हां, देखो बच्चे गोड्या का भिड़ना, देखो जे शुरुआती आपां गल करिए ना एक दो महीने पांच महीने जट साल डेढ़ साल उदों एक जेकर उदों है तां ओह कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक प्रोसेस है। जेकर ये प्रॉब्लम कोई डेढ़ साल आपां कह रहे हां तां आपां नूं प्रॉब्लम नहीं मंदे, आपां नूं गोड्या दा भिड़ना नहीं कहांगे, क्योंकि ये एक की है प्रोसेस है, ठीक है, कि पहला हां जी बच्चों के जिहड़े गोडे है अंदर जे नूं हुंदे है हौली हौली वह बाहर नूं आंदे है, ठीक है, हौली हौली वह फिर नूं अंदर नूं जांदे है, हौली हौली फिर बाहर नूं, एक प्रोसेस है। पर हुण इह प्रोसैस ने पूरा कदों होना है, दो तो लैके पांच साल दे विच इस प्रोसैस ने की होना है कंप्लीट होना होंदा है, ठीक है, इस प्रोसैस ने की होना है कंप्लीट होना होंदा है। पर जेकर दो तो लैके पांच साल तो बाद भी इह प्रोसैस कंप्लीट ना होवे, मतलब इह प्रोसैस सिर्फ अंदर नूं रह जाए, बच्चे जिहड़े जिहड़े बच्चे दे नीज है गोडे जिहड़े हैगे है उह नॉर्मल ना होण, तां आपां उहनूं की कहांगे कि बच्चे नूं जी किहड़ी प्रॉब्लम हैगी है नॉक नीज दी प्रॉब्लम है, किहड़ी प्रॉब्लम है बच्चे नूं नॉक नीज दी बच्चे नूं प्रॉब्लम है, क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट आपां गल करिए कि इहदा रीजन की हो सकदा है, जिवें दी नेक्स्ट गल करां कि नॉक नीज दा रीजन की हो सकदा है, आपां हुण रीजन दी गल करांगे, ठीक है, कि किहड़े किहड़े रीजन है नॉक नीज दे होण दे। तां फर्स्ट आपां गल करांगे विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी हो सकता है कारण, ठीक है, ओवरवेट, मोटापा, मोटापा इहदा एक रीजन हो सकता है जिहदे करके गोड्यां दा, जेकर बच्चा ज्यादा मोटा है वेट ज्यादा है बच्चे का उहदे करके नॉक नीज दी बच्चे नूं प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, जिहड़े मसल है मस्कुलर एक्टिविटी मसल जिहड़े हैगे है उहनां दे विच प्रॉब्लम्स है, मसल्स दे विच प्रॉब्लम्स हैगीआं जां मसल जिहड़े है वीक है, मसल जिहड़े है उह वीक है उहदे कारण जिहड़ा हैगा प्रॉब्लम उहदे कारण जिहड़ा हैगा नॉक नीज दी प्रॉब्लम हो सकदी है। फ्लैट फुट, फ्लैट फुट पैरां दा चपटापन, ठीक है, जेकर बच्चे दे फ्लैट फुट तां मैं अग्गे करवाऊंगा कि फ्लैट फुट की हुंदा है, याद रखियो फ्लैट फुट भी इक रीजन है नॉक नीज दा, जां इंबैलेंस डाइट,
ਜੇਕਰ ਇਨਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਡਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੱਧ ਖਾ ਲਿਆ ਕਦੇ ਖਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਬੈਲੈਂਸਡ ਡਾਈਟ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੋਕ ਨੀਜ਼ ਦਾ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਿੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਨੋਕ ਨੀਜ਼ ਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰਸ ਰਾਈਡਿੰਗ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰਸ ਰਾਈਡਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੋਕ ਨੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਨੀ ਕੈਪ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੀ ਕੈਪਸ ਪਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੋਕ ਨੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ ਨੋਕ ਨੀਜ਼। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਲੈਟ ਫੁੱਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਲੈਟ ਫੁੱਟ, ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਚਪਟਾਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਲੈਟ ਫੁੱਟ। ਦੇਖੋ ਨੋਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਪਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟ ਫੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਚਪਟਾਪਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣੇਗਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੂਰਾ ਫਲੈਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਲੈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਗ੍ਰਿਪਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਫੁੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਿਪਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਭੱਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲ ਵੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮਸਲ ਵੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਕ ਹੈ, ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ, ਮੋਟਾਪੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਲੈਟ ਫੁੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਇਮਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੋਕ ਨੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹਦਾ, ਫਲੈਟ ਫੁੱਟ ਦਾ। ਕਿਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਫੁੱਟ ਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਚਪਟੇਪਨ ਹੋਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪ੍ਰਿੰਟ ਪੂਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨੋਰਮਲ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਬਣੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਫਲੈਟ ਫੁੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋ, ਪਿਛਲੀ ਅੱਡੀ ਤੇ ਤੁਰੋ, ਪਿਛਲੀ ਅੱਡੀ ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪੈਰ ਅੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫਿੰਗਰਸ ਹੈਗੇ ਪੈਰ ਦੀਆਂ, ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, ਅੱਡੀ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਲੂਜ਼ ਵੇਟ, ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੇ ਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਟ ਤਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋਏਗੀ। ਥਰਡ ਸਕਿਪ ਔਨ ਰੋਪ, ਰੋਪ ਰੱਸੀ ਕੁੱਦਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਸੀ ਕੁੱਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸ਼ੂਜ਼, ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸ਼ੂਜ਼, ਚੰਗੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨੋਕ ਨੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਨੋਕ ਨੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ
ज्यादा डिटेल नहीं हैगी, सिर्फ मेन गल याद रखियो कि एदे विच ए रीजन की है। ठीक है, नाम तो क्लियर तो हो ही जाएगा कि है की, ठीक है ना, पर तुसी याद की करना है कि दा रीजन, पेपर दे विच रीजन बहुत आने के चांसेस होते हैं कि हेठ लिखा विचों किसका रीजन फ्लैट फुट का, केड़ा रीजन फ्लैट फुट का नहीं हो सकता, जां विचों हेठ लिखा विचों केड़ा किसका संबंध फ्लैट फुट की प्रॉब्लम नाल है। ठीक है, तो तुहानू इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जां तुहानू क्वेश्चन आ सकता है कि हेठ लिखा विचों किसका संबंध फ्लैट फुट नाल नहीं है, सॉरी केड़ा तरीका केड़े अपा तरीके नाल फ्लैट फुट की प्रॉब्लम नू सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट राउंड शोल्डर, नेक्स्ट आप क्या गल कर रहे हैं, थर्ड आप गल कर रहे हैं राउंड फोल्डर शोल्डर, सॉरी राउंड शोल्डर, राउंड शोल्डर वाला बच्चा ना देखियो तुसी देख इमेजेस देखते रहियो। ठीक है, चैनल जो तुसी इस वीडियो देखोगे उस तो बाद इमेजेस देखियो, ठीक है, गूगल से जाके तो तुहानू समझ आएगा कि इहदे विच बच्चे नू प्रॉब्लम की है। इहदे विच की है, वो अगे नू झुकिया हुंदा है, उन्हों का शोल्डर है गोल है वो अगे है झुकया होया हों, जिदे करके बच्चे है प्रॉब्लम आती है राउंड शोल्डर की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, शोल्डर ए बेसिकली की है अगे न झुकया होया, रीजन की है ए पिछे रीजन की हो सकता है, ड्यू टू हैरिडिटी हो सकता है, एक तो जरा राउंड शोल्डर है एक तो रीजन की हो सकता है ड्यू टू हैरिडिटी या बाय वीरिंग जा की है कि बच्चा बड़े टाइट क्लोथ पाता है, बहुत टाइट कपड़े पाता है, वो भी एक रीजन हो सकता है जिसके कारण बच्चे का है राउंड शोल्डर की प्रॉब्लम आ जाए। नेक्स्ट सिटिंग इनप्रॉपर, प्रॉपरली जो है बैठता नहीं, सही तरीके ना बैठता नहीं है, झुके जो बैठता है। देखो बच्चे तुसी ना काफी अपने अपने लोन दे विच या रिलेटिव्स दे विच तुसी सुनिया होगा कि कईयां नूं बैक दी प्रॉब्लम है। ठीक है, तुसी देखिया होगा जेकर उन्हें नॉर्मली बैक ज्यादा 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 क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं हैगी तो डॉक्टर उन्हें हमेशा सुजेस्ट करते हैं कि जदों भी बैठना सीधे बैठना है, कोई व्हीकल चला रहे हो तां भी इस तरह बैठना है। ठीक है, जेकर तुसी बैड ते बैठे हो तां भी इस तरह तुहाडी सिद्धी होनी चाहिए है, जेकर तुसी कोई काम कर रहे हो तां भी तुसी इस तरह सीधा, मतलब बैक नूं सीधा रखना है। ठीक है ना, तो इन्हों की क्या कर, इहदा रीजन की है कहते, क्योंकि इहदा रीजन यह मनाया जाता है कि जेकर बच्चा सही तरीके नाल नहीं बैठता, उनकी बैठना सही तरीके नाल नहीं है, वह भी एक रीजन है राउंड शोल्डर का। जे कोई तुहानू बैक की प्रॉब्लम है, ठीक है, वह भी उनके विच भी आप कह सकते हैं कि सिटिंग इनप्रॉपरली एक रीजन हो सकता है जिसके कारण बच्चे शोल्डर राउंड है या उन्हें कोई बैक की बच्चे की है प्रॉब्लम है। नैक्सट लैक ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज, ठीक है, बच्चा ना गलत तरीके ना एक्सरसाइज कर रहा है। तुसी देखा होगा कई ना बच्चे जेड़े हैगे इन्हां नूं शौक पा है कि जिम लगानी है, एक्सरसाइज करनी है, पर उन्हां नूं प्रॉपर टेक्निक नहीं पता जिसके कारण उन्हां दे जेड़े हैगे इधर जोर शोल्डर के उपर कोई जोर पै जांदा है जिसके कारण वह अगे नूं झुक जांदे, जिन्हों का तुरंत का स्टाइल हो गया। ठीक है, वो कि अगे नूं झुक जांदा जेकर बच्चा प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं कर रहा, गलत तरीके नाल गलत पोस्चर दे विच, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहा है तां भी ये रीजन हो सकता है राउंड शोल्डर का। होर की रीजन आप कह सकते हैं, देखो होर की रीजन है वेट, तो आप कहेंगे कि आप जो है शोल्डर से बहुत ज्यादा वेट चक रहे हैं, ठीक है, ओवर वेट यूज चक रहा बच्चा, ठीक है, वह भी एक रीजन हो सकता है कि वह भी एक रीजन हो सकता है राउंड शोल्डर का। चलो यह तो हो गया जी रीजन, हूँ आप ठीक किवें करांगे, इस रीजन जरा बच्चे सामने प्रॉब्लम आ गई इस प्रॉब्लम को दूर किवें करांगे हूँ आप बारे गल करते हैं। ठीक है, योगा इना क्वेश्चन आ सकता बच्चे कि योगा दे विच केड़ी एक्सरसाइज करवाई जाए, योगा तो बहुत तरह के है, केड़ा योगा बेनीफिशियल होएगा इन्हां दे लई, तां लिख लो चक्कर आसन, धनुरासन, चक्कर आसन ते धनुरासन ये दोनों आसन इस प्रॉब्लम नूं ठीक करने विच काफी हद तक बच्चे की हेल्प करेंगे। बच्चों नूं की कराओ चक्कर आसन कराओ, बच्चों नूं की कराओ धनुरासन कराओ, टाइट टाइट जिहड़े क्लोथ्स है उन्हां नूं अवॉइड करो,
टाइट प्लॉट्स ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਯੋਗਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਰਾਉਂਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਾ ਹੈਗੇ ਨਾ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਯੋਗਾ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਯੋਗਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਪੋਸਟਰ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਆਏਗਾ ਯੋਗਾ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਨੌਕ ਨੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਲੈਗਸ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਹਾਰਮ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਲੈਗਸ ਨਾਲ ਹੈ ਆਰਮ ਨਾਲ ਹੈ ਬੈਕ ਨਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਗੇ ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਔਖਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਲਝਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਣਗੇ ਜਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਚ ਉਲਝਾਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਹੈ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਰੀੜ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਲਡੋਸਿਸ ਫਸਟ ਕੀ ਹੈ ਲਡੋਸਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚਲੇ ਪਾਸੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਡ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਲਡੋਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਰਿਲੇਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪਾਈਨਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਚਲੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਚਲੇ ਉੱਪਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਨਿਚਲੇ ਪਾਸੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਲਡੋਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਢੁਈਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਸਨ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਮਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੇਟ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਡੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਮਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਮਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਮਸਲਸ ਇਮਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਮਸਲਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਟਾਕਿੰਗ ਮੋਰ ਫੂਡ ਦੈਨ ਟਾਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੇਕਿੰਗ ਹੈ ਮੋਰ ਫੂਡ ਦੈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੂਡ ਜਿੰਨਾ ਫੂਡ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੂਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਮਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੂਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਓਵਰਵੇਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਡੋਸਿਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਡੋਸਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਰੀਜ਼ਨ ਲਡੋਸਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਡੋਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਦਿਓ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਂਡ ਸਟੇਟ ਵੀ ਜ
जो बच्चे ने वेट चक्या आया उनको सीधे खड़े हो, ठीक है ना, अगे नु झुकना नहीं है, सीधे खड़े हो इस तरह, ठीक है। तीसरा, ज्यादा फूड ऑन डाइट दे विच ही आ गया, ठीक है, ते अपने वेट नु जेड़ा है वो की करे प्रॉपर मेंटेन करे, ठीक है, ते ओ सारे आसन करे, जे ओ सारियां एक्टिविटीज करे जेड़ियां उस दे उल्ट होंदी, प्रॉब्लम दे उल्ट होवे, मतलब जे पेट बाहर नु है तां पेट नु अंदर करन वाले, मतलब मैं तुहानू की कह रहा, देखो इन शॉर्ट तुसी समझो कि हुण मैं आ वाली चीज नहीं करूंगा इहदे नाल तां मेरा होर अंदर नु जा रहा है, ठीक है, हुण मेरी जेड़ी एक्सरसाइज होएगी ओ सारी कड़ी होणगी इस तरह अगे वल नु झुकण वाली होणगीआं, तां कि आ चीज जेड़ी हैगी है बैक वाले पासे नु जावे, इधर जावे बैक वाले साइड नु जावे, तां ओ की हो गया लडोक्सिस नु ठीक करन दा तरीका। फोर्थ, काइफोसिस, नेक्स्ट आपां गल कर रहे हां काइफोसिस जिहदा जिहनूं आपां पंजाबी च की कहिंदे हां कि कुब, जिहनूं पंजाबी दे विच की कहिंदे हां कुब। हुण देखो लडोसिस दे विच की सीगा, लडोसिस दे विच आपां की गल कर रहे सीगे कि उहदा जिहड़ा हैगा लडोसिस दे विच की सीगा उहदा जिहड़ा पेट है और जिहड़ा धूई है रीढ़ दी हड्डी है वह अंदर नूं चली गई, ठीक है। ते काइफोसिस दे विच आपां की गल करांगे कि उहदी जिहड़ी धूई है जिहड़ी जिहड़ा स्पाइनल कोड है वह बाहर नूं निकल गया, इस तरह की है बाहर नूं जिहड़ा निकल गया तां आपां नूं की कहांगे उहनूं किहड़ी प्रॉब्लम है, काइफोसिस दी प्रॉब्लम है, किहड़ी प्रॉब्लम है काइफोसिस, मतलब इन शॉर्ट तुसीं की कहोगे कि बच्चे दे कुब निकलिया है, की निकलिया है बच्चे दे कुब निकलिया है, ठीक है, अपर बाहर नूं आ गई उहदी, पेपर दे विच क्वेश्चन आया तां आएगा अपर बाहर नूं आ गई किहड़ी प्रॉब्लम है, जिहड़ी लोअर है वह अंदर नूं वड़ गई तां किहड़ी प्रॉब्लम है, अंदर नूं वड़ गई किहड़ी प्रॉब्लम है लडोसिस दी प्रॉब्लम है, जे अपर बाहर नूं आ गई तां किहड़ी प्रॉब्लम है काइफोसिस दी प्रॉब्लम है, क्लियर। हुण देखो इहदा रीजन सेम वर्गी होणगे, माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन इहदा रीजन हो सकदा, ठीक है, हैवी लोड, हैवी लोड उठा रहा है, ठीक है, वीक है मसल, मसल उहदे वीक है, जां हैरिडिटी प्रॉब्लम है, जां की है हैरिडिटी प्रॉब्लम है, जां बेंड करके तुर रहे हैं, बेंडिंग या की है बेंड करके चल रहा है, तो इन सारिया एक्टिविटीज इन सारिया यही एक रीजन है जिसके कारण बच्चों जी है कुब की प्रॉब्लम हो सकती है। चलो हुण फिर उही गल कि आप किवें ठीक करांगे, तो मैं पहले ही तुहानूं कह के हटे हैं कि बच्चे नूं जिहड़ी प्रॉब्लम होवे उहतो ओपोजिट एक्टिविटी करवानी है, ठीक है, हुण ढूई वाले पासे नूं है बाहर नूं है तो आप अंदर नूं कराना, तो हुण अपनी आ वाली होएगी, ठीक है ना, तो आप हुण अंदर वाले उहदे ओपोजिट साइड जिहड़ियां हैगियां सारी एक्टिविटी करनी है, ठीक है, उहनूं की है ऑलवेज कीप अ पिलो, कीप अ पिलो अंडर योर बैक सोन के टाइम, उन्हें कहो कि अपने ढूई के थले की रखना है पिलो रखना है सराहना रख के सोना है, ठीक है। सेकंड, स्विमिंग, स्विमिंग जड़ी हैगी है वो इस प्रॉब्लम नू सॉल्व करने दे विच, इस प्रॉब्लम ठीक करने दे विच काफी हेल्प करती है। केड़ा आसन वही रहेगा, धनुरासन, चक्कर आसन, धनुरासन, चक्कर आसन जिहड़ा हैगा दोनों इस चीज दे लई बैटर रहणगे, इस नूं ठीक करन दे विच काफी हेल्प कर सकदे। मैं फिर कह रहा आसन कोई ना भुलियो, आसन जरूर याद कर लियो, आसन दे विचों तुहाडा क्वेश्चन आने दे चांसिस है कि तुहानूं क्वेश्चन जिहड़ा हैगा उह किहदे विचों आ जाएगा, आसना दे विचों आ जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपां गल करदे हां, नेक्स्ट आपां गल कर रहे हैं बो लेग्स, नेक्स्ट आपां की गल कर रहे हैं बो लेग्स। देखो नॉक नीज दे विच आपां की गल कीती सी, नॉक नीज दे विच आपां की गल कीती सी कि उहदी जिहड़ी लेग्स है वह की है आपस गोडे जिहड़े हैगे है वह आपस भिड़ रहे हैं, ठीक है, गोडे जिहड़े हैगे है वह आपस दे विच भिड़ रहे हैं, ठीक है, इहदे विच की है गोडे बाहर नूं जा रहे हैं, इहदे विच की है बिलो बो लेग्स दे विच देखो दोनों सेम जिवें वर्गे है, सिर्फ फर्क की है उनके गोडे भिड़ रहे सी, इहदे विच गोडे जिहड़े है बाहर नूं जा रहे, तो वह कैसी प्रॉब्लम होगी बच्चे नूं, बो नेक्स की गल होगी, पोस्टर डिफॉर्मिटीज दे विच आ जाएगा, ठीक है। हुण इहदा भी रीजन की होगा, सेम आप कह सकते हैं कि विटामिन डी की कमी,
विटामिन डी की कमी है, ठीक है, मोटापा है, ठीक है, जानू उन्हें फुटवियर सही नहीं पाए, फुटवियर प्रॉपर नहीं पाए। एक अंदर देखो एक ना नॉक नीज दे याद रखियो, नॉक नीज का एक होर रीजन या फ्लैट बो लेग्स का एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो अर्ली चाइल्डहुड विच, अर्ली चाइल्डहुड विच बच्चे नू असी जिहड़ा हैगा तुरंत धक्के नाल तुरन लई मजबूर करदे आ, धक्के नाल तुरन दे लई मजबूर करदे आ, तां याद रखियो इह वी इक रीजन है, बच्चे नू कदे वी धक्के नाल तुरन लई मजबूर ना करो, क्योंकि इह वी इक रीजन हो सकदा है बच्चे दे विच ज्यादा नॉक नीज प्रॉब्लम दा ते जां बोल लेग्स प्रॉब्लम दा, दोनों विचों किसे दा वी रीजन हो सकदा है। इस करके तुरो उदों सॉरी जदों बच्चा तुरना चाहे, नाके नू धक्के नाल ज्यादा ज्यादा करवाओ, इह वी है नॉक नीज, सॉरी बोल लेग्स। ये आपां किहदी गल कर रहे हां, बोल लेग्स दी गल कर रहे हां। उन्हें दा उपचार किवें करांगे, किहड़ा आसन है, गरुड़ आसन, किहड़े आसन नाल इहनू आपां ठीक कर सकदे हां, गरुड़ आसन नाल, विटामिन डी, विटामिन डी बच्चे नू विटामिन डी दियो, रिक्वायर अमाउंट दे विच विटामिन डी दियो, ठीक है, बच्चे नू इनर फीड्स दे उपर तुरन लई कहो, इनर फीट्स के ऊपर तुरन दी तुरन लई कहो, ठीक है, ते ज्यादा धक्के नाल बच्चे नु ना तो ता इस तरह बो लेग्स नु जेड़ा हैगा बो लेग्स दी प्रॉब्लम नु ठीक कीता जा सकदा। नेक्स्ट नेक्स्ट आपां गल कर रहे हां स्क्लेरोसिस, नेक्स्ट आपां गल कर रहे हां स्क्लेरोसिस दी गल कर रहे हां, ये भी किहदे नाल संबंधित है, रीढ़ दी हड्डी नाल ही संबंधित प्रॉब्लम है। देखो मैं दोबारा कर रहा, आ की है रीढ़ दी हड्डी मेरी नॉर्मल है, ठीक है, जो मेरी रीढ़ दी हड्डी अंदर नूं चली गई तो यह मेरी कि प्रॉब्लम आ गई, लिडोसिस दी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, जो मेरी रीढ़ दी हड्डी बाहर नूं निकल गई तो मैनूं कि आ गई काइफोसिस दी प्रॉब्लम आ गई। हुण इहदे विच स्क्लेरोसिस दे विच देखो की प्रॉब्लम है कि रीढ़ दी हड्डी जां तां राइट हैंड साइड चली गई, रीढ़ की हड्डी जां तां राइट हैंड साइड चली गई ते जां रीढ़ की हड्डी जिहड़ी हैगी है लेफ्ट हैंड साइड चली गई, मतलब जिहड़ी स्ट्रेट होनी सी रीढ़ की हड्डी वह जां तां राइट हैंड साइड वल नूं चली गई, ठीक है, ते जां लेफ्ट हैंड साइड वल नूं चली गई, मतलब मैं हुण मेरी बाहर नूं नहीं आ रही, हुण इह नहीं कि रीढ़ की अंदर वड़ गई जवाई जां तुई मगरले पासों बाहर नूं आ गई, कुछ नहीं, इहदे विच की है हुण मेरी जिहड़ी रीढ़ की हड्डी है वह लेफ्ट लेफ्ट साइड या राइट साइड, लेफ्ट साइड या राइट साइड वाले पासे नूं झुक गई या वाले पासे चली गई, तो आपां बच्चे नूं कीड़ी प्रॉब्लम कहांगे, तो बच्चे नूं स्क्लेरोसिस दी बच्चे नूं की है प्रॉब्लम है, क्लियर, कीड़ी प्रॉब्लम है स्क्लेरोसिस दी प्रॉब्लम है, बच्चे दा जिहड़ा वेट है, मतलब इन शॉर्ट तुसीं कह सकदे हो कि उहदा इक वेट है वह एक पासे नूं झुक गया, एक पासे नूं हो गया, एक पासा इस तरह तुरदे रहे बच्चे, ठीक है ना, उहदा वेट जिहड़ा हैगा एक साइड चला गया जां तां राइट हैंड साइड चला गया जां लेफ्ट हैंड साइड चला गया, तो आपां नूं कीड़ी प्रॉब्लम कहांगे, बच्चे नूं स्क्लेरोसिस दी बच्चे नूं की है प्रॉब्लम है। हुण इहदा रीजन की होएगा, जां तां हेरिडिटी है कि पेरेंट्स नूं भी प्रॉब्लम हैगी है, ठीक है, जां टाइट पांदा कपड़े, ठीक है, जां फ्रैक्चर है कोई, जां बच्चे दे बॉडी दे विच कोई फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, वह सही तरह नाल ठीक नहीं होया, ठीक है, जां पोस्चर बच्चे का गलत है, खड़न का पोस्चर गलत है, बैठन का पोस्चर गलत है, सौन का पोस्टर गलत है, तो बच्चे के पोस्टर गलत है तो ही प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, जां अनसुटेबल अनसुटेबल फर्नीचर, जां बच्चा है गया जो फर्नीचर यूज कर रहा है वो फर्नीचर प्रॉपर ठीक नहीं है, ठीक है, तो उन्होंने इस बच्चे जो है स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम बच्चे हो सकती है। मैं बच्चे वार बार कह रहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਸਕਲੋਸਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਸਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਣ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਡਿਫੋਰਮਿਟੀ ਪੋਸਟਰ ਡਿਫੋਰਮਿਟੀਜ਼ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ
कि जड़ी प्रॉब्लम है ओदे ओपोजिट जेड़ा भी आसन है ओ उस चीज नु ठीक करने लिए बहुत ही सुटेबल है। ठीक है, ओदे ओपोजिट जिंदे विच मतलब मैनु इह पता लग गया ना कि मेरी ढूई अंदर नु है तां हुण जेड़े आसना दे विच ढूई दे उल्ट आपां गल करदे हां। ठीक है, बाहर नु करन वाले आपां काम करदे पए हां ओ सारे आसन ओदे विच रिलेट कर जांगे तां ओ चीज नु नोट कर लियो एक वारी सारे आसन देख लियो कि किनु किदे नाल आपां जोड़ सकदे। मैं तुहानू इन शॉर्ट मैं दसदा कि ओदे ओपोजिट आपां काम करना है। ठीक है, हुण ट्रीटमेंट की होएगा, बच्चे नु लमकन लई कहो, पहला बच्चे नु कहो कि वध तों वध लमके, लमकन नाल प्रॉब्लम ठीक हुंदी है, बच्चे नु कहो लमके, स्विमिंग इहदे विच भी हेल्पफुल है, स्विमिंग जिहड़ी हैगी है ओह इस प्रॉब्लम नु ठीक करन च भी हेल्पफुल है। ठीक है, बच्चे नु जिहड़ा कहो जिहड़ा पोस्चर बनाना है ओह सी सी बनाना है सी, पर सी किवें उल्ट, जे तुहाडा इधरले पासे ये प्रॉब्लम है, ठीक है इधरले पासे झुकया तां इधरले पासे सी बनाना है, जे इधर प्रॉब्लम है तां इधरले पासे सी बनाना, उल्ट दिशा दे विच सी बनानी है। ठीक है, ते होर कहड़ा तुसीं कर सकदे हो, त्रिकोण आसन, त्रिकोण आसन या अर्ध चक्कर, अर्ध चक्कर आसन जिहड़ा हैगा है ओह जिहड़ा हैगा है तुहाडे लई बेनिफिशियल है। हुण त्रिलोक आसन जां अर्ध चक्कर, याद रखियो मैं फिर वारी वारी कह रहा इन ओपोजिट डायरेक्शन, इन ओपोजिट डायरेक्शन जिहड़े पासे मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि स्कलोसिस दे विच रीढ़ की हड्डी सज्जे पासे भी हो सकती है, रीढ़ की हड्डी खब्बे पासे भी हो सकती है, तो जिधर मेरी प्रॉब्लम है उहदे ओपोजिट साइड, ठीक है आपां आसन करना है किहड़ा, जद त्रिलोक आसन कर लो जां अर्ध चक्कर आसन, तो इन्हां नाल आपां इस प्रॉब्लम का उपचार किया जा सकता है। अज बच्चे आपां छोटा जिहा टॉपिक से अपना जिहड़ा बाकी सीगा ਆਪਾਂ ਪੋਸਚਰ ਡਿਫੋਰਮਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 7 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਡਿਫੋਰਮਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਫੋਰਮਿਟੀਜ਼ ਪੋਸਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਫਲੈਟ ਫੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜਪਟੇਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਲੋ ਲੈਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਡੋਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਿੰਨ ਆਪਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਡੋਸਿਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੂਈ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਾਈਫੋਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਥਰਡ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਕਲੋਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਆਪਾਂ ਫਲੈਟ ਫੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਲ ਲੈਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਲੈਟ ਫੁੱਟ ਕੀ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਚੱਪਟਾਪਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਲ ਲੈਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਫੋਰਮਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੇ ਹਮਾਂ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ। ਐਨਟੀਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ 27th ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।